मनाने के लिए हम निकल पड़े और हमारे साथ ये तीन अदद कार्टून है, एक है जनाब अब्दुल राफे साहब, दूसरे मानो और तीसरा नौशेरवान। चोई साहब, आज जश्न आजादी की खुशी में आप क्या कहना चाहते हैं? 14 अगस्त है। देखिए जी, मैं पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा, कि हमारा जो मकसद था पाकिस्तान एक आजाद इस्लामी फलाई रियासत बनाने का, जी भूले। अच्छा, चोई साहब का पैगाम है जी, अपना मकसद मत भूले, पाकिस्तान का बनाने का मकसद क्या था। और एक बाजा मारो भाई, ये है पाकिस्तान बनाने का मकसद फिलहाल तक के लिए जी। इस वक्त ग्राटो जलेबी खा रहे हैं। चोई साहब, ग्राटो जलेबी के फायदे बयान करें। देखें, मरी रोड पे वैसे आने का दिल नहीं करता, यहाँ पे रश इतना होता है, तो जब आपके जहन में ये होता है कि यार मरी रोड पे ग्राटो पे लेनी पड़ेगी, इसी बारे में बता जो है 14 अगस्त ग्राटो के संग। वाह चोई साहब, शौर्य मिल्लत जगा रहा है।
परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। पंजाब आर्ट्स काउंसिल पहुंच चुके हैं, और ये हमारे चोई साहब आ रहे हैं साथ, अब्दुल राफे चौधरी, अब्दुल राफे साहब। कोई ऐसा मौका नहीं है जो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ने जाने दिया हो। आज इस सिलसिले की एक और कड़ी है। मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर वकार चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितनी फैमिलीज हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी तफरी मुहैया की। वकार साहब के लिए भरपूर क्लैप होनी चाहिए। मंजूर साहिबा को हम कैसे भूल सकते हैं, इन सारी Thank you.
पाकिस्तान। अभी जनाब हम आर्ट्स काउंसिल से म्यूजिक प्रोग्राम देखकर बाहर आ रहे हैं। नौशर्मा आपको कैसे लगे पाकिस्तान की तरह ने? और ये आ चुके हैं हमारे साथ साजिद साहब आ चुके हैं और छोटे गोगलू भी आ चुके हैं। सारे आज पाकिस्तान की जश्न आजादी के जश्न मना रहे हैं और मेरे ख्याल में ये सुबह से मना रहे हैं। पीर साहब ने बताया नेशनल आर्ट काउंसिल में आ गए हैं यहाँ पे। अभी पीर साहब इन तमाम बच्चों को जो है वो आज जश्न आजादी की जो तकरीब थी उस तकरीब के ऑनर में हमें आज खाना खिलाएंगे। और 14 अगस्त की शाम को रात को जी खूबसूरत बारिश शुरू हो गई है। वापसी का सफर है आर्ट काउंसिल से सदर की तरफ। चोई साहब कैसी बारिश आपको लग रही है जी? माशाल्लाह जी अल्लाह पाक की बड़ी जबरदस्त रहमत है। आज दिन को काफी टेम्परेचर था, बड़ी गर्मी थी और बगैर एसी के रहना नामुमकिन था। और जब मैं हाल के अंदर बैठा था, आप मेरी बात पे बिलीव करें कि मैं पसीने से भीग गया। ओह माय गॉड, ये देखे जी 14 अगस्त जश्न मनाने वाले लोग अब मेट्रो के नीचे छुप रहे हैं। अल्लाह की रहमत बरस रही है। न्यूयॉर्कर पिज्जे पे आ चुके हैं जी तीनों शेर। अब जो है वो न्यूयॉर्कर और ये तो किंग साइज पिज्जा है। नौशर्मा पिज्जा पसंद आया? अच्छा शक्ल से मलिक साहब मुझे भी ऐसा जो बात की है ना आईडी पहले अभी आपने चखा चौधरी साहब ने चखा है नहीं और आपने अपने कमेंट्स पेश कर दिए। जी चोई साहब अब आपके क्या रिमार्क्स हैं? रिमार्क्स मेरे देखें जी बात ये जो स्टैंडर्ड तहजीब है ना न्यूयॉर्कर का, अगर मैं उसको तहजीब वाले को 90 नंबर देता हूँ ना तो न्यूयॉर्कर को मैं 40 नंबर। ओह 40 नंबर पे आ गया है जी ये। और अच्छा पिज्जा है और अल्लाह पाक की बहुत अच्छी नेमत है। और मैं मानो आपके क्या तासुरात हैं? एक 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 गजल आखिरी गजल एंडिंग देनी है फिर गजल गजल को एंडिंग दो। हाँ हाँ वही सुना। उम्र भर खाली ही हमने मकान रहने दिया, तुम गए दूसरे को यहाँ रहने। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पर लिखा सब मां रहने दिया। मां रहने दिया जी।